जो कि हमारी गर्दन से हाथों की तरफ जाती है, उनके ऊपर दबाव हो जाता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो लेट जाते हैं और रात को लंबे समय तक मोबाइल अपने हाथों में रखने की आज के जमाने में एक ट्रेंड बन गया है। बंदे एक तकिए से जब काम नहीं चलता, वो अपने हाथों में मोबाइल रखते हैं, वो उसको देखने की कोशिश करते हैं। एक तकिए से यदि काम नहीं लगता तो वो दो दो तकियों का इस्तेमाल करते हैं, और इससे गर्दन का जो एंगल हमारे धड़ से जो मिलता है वो बढ़ जाता है और लंबे समय तक स्ट्रेस पड़ता है। ये जो एंगल है ये हमारा काफी बढ़ जाता है इस तरीके से लेटने से, और सारी नसें जो हाथों की तरफ जा रही हैं, लोग अपने हाथों को ऊपर रखते हैं, मोबाइल को उठा के रखते हैं, तो उस पर प्रेशर पड़ता है। इस वजह से ये एक दर्द बहुत कॉमन आज के जमाने में हो गया है। दूसरी बात, बच्चे, बूढ़े या आम आदमी जो कंप्यूटर पे लगातार बैठ के काम करते हैं, उससे भी ये दर्द बढ़ जाता है। इससे फिर बचने के तरीके क्या हैं? सबसे अच्छा तरीका बचने का ये है कि आप अपने गर्दन का पोस्चर हमेशा ठीक मेंटेन करें, ताकि ये दो की बजाय एक और मुलायम और पतला तकिया ही हमेशा यूज करें। चाहे आप करवट से सोएं या सीधे सोएं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, स्टडीज करते हैं, तो आप लोग 2 घंटे से ज्यादा लगातार एक पोस्चर में बैठे हुए ना रहें। उसके लिए कुछ व्यायाम भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, अपनी गर्दन के पीछे दोनों हाथ रखें, अपनी गर्दन के पीछे दोनों हाथ रखें इस तरीके से, और जोर लगाएं गर्दन को आगे की तरफ और हाथों को पीछे की तरफ। सामने रखें और गर्दन पे पीछे की तरफ जोर लगाएं, साइड में रखें इस तरीके से जोर लगाएं, फिर इस तरफ रखें इस तरीके से जोर लगाएं। ये एक्सरसाइज दिन में 2 या 3 बार और एक पोस्चर 10 बार तक आप कर सकते हैं। इससे आपकी मसल्स की जो टोन है वो ठीक हो जाती है, आपके जो मनकों की सेटिंग खराब हो गई थी वो ठीक हो जाती है, और जिन लोगों को ये बीमारी बढ़ जाती है तो कभी कभी हाथों में दर्द नीचे तक उतरता है, सूनापन, झंझनाहट, रात में सोते सोते हाथों में ऐसा लगता है जैसे कि उनमें जान नहीं है, वो ढीले पड़ गए हैं, ये अक्सर देखने को मिलता है। एक्सरसाइज करने से, अपना पोस्चर ठीक मेंटेन करने से, और डाइट, डाइट का क्या रोल है कि आप अपने खाने के अंदर वो कोई चीजें ना लें जो वायु दोष और वात और पित्त को बढ़ाती है। उससे क्या होता है कि आपकी गर्दन में जो मस्कुलर पेन है वो बढ़ जाता है। इस तरीके से हम लोग इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी से बच सकते हैं। कुछ लोगों में क्या होता है कि बीमारी बढ़ जाती है, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, डाइट कंट्रोल सब कुछ करने के बाद भी वो लोगों को आराम नहीं आता है। ऐसे सिनेरियो में नसों पे दबाव का ज्यादा हो जाना है, तब हम लोगों को गर्दन के एक्सरे या कभी कभी पेशेंट्स का एमआरआई कराकर भी देखना पड़ता है। रेयर केसेस में कुछ लोगों की इसमें सर्जरी भी करनी पड़ी थी, मगर लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। और मैं आज करनाल प्लस